देखिए बाबू, तो अब हम लोग क्या निकालना सीखने वाले हैं, अब हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो। अब हम लोग सीखने वाले हैं कि नया रेशियो कैसे निकालेंगे, नया प्रॉफिट सेलिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, सम्स करने जा रहे हैं हम लोग। और ये जो रेशियो वाला कहानी है ना, ये आप बचपन में ना मैथ्स में भी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, बट ठीक है ना, बचपन को छोड़ दीजिए, क्योंकि वैसे भी मैथ्स का नाम से डर लग जाता है हम लोग को। देखिए, तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो अभी क्या है ना, इसको कैसे, इसका निकालने का फॉर्मूला क्या है, इसको निकालने का फॉर्मूला नहीं, दिस इज अ कैलकुलेशन, स्मॉल कैलकुलेशन, एमसीक्यू में तो आता ही है, एक तो क्वेश्चन रहेगा ही, कभी कभी बड़ा बड़ा सम्स जो हम लोग बनाएंगे ना उसमें भी काम आया जाएगा, उसमें भी आपको बोलेगा ए और बी पार्टनर था, उसका पुराना रेशियो इतना था, आप नया रेशियो निकाल के दिखाइए, तोड़ तोड़ के सिखाएंगे, एकदम ध्यान लगा के घर में पढ़िएगा और हर दिन रिविजन करके आइएगा वो, प्लीज। आ जाओ भाइयों और बहनों, आ जाओ। देखो सबसे पहले एग्जाम्पल वन, डायरेक्ट सम से ही स्टार्ट होगा ये एग्जाम्पल वन, इसका फॉर्मूला नहीं है, इसको जब सॉल्व करेंगे उसके बाद से ही आपको सॉल्यूशन हो जाएगा। एग्जाम्पल वन क्या, देखो हम यहां पे लिखते हैं ए एंड बी, आप लोग साथ साथ क्वेश्चन लिख लीजिए ना, ए क्वेश्चन लिख लीजिए, ए एंड बी आर द पार्टनर्स, पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो, इन द रेशियो 2:1, 2:1, they admitted, they admitted C for 1/3 share, calculate new profit sharing ratio। अब लिख लीजिए ना क्वेश्चन, फिर बात करते हैं। They admitted C for 1/3 शेयर, बोलते क्या हो, नहीं दिख रहा पीछे से बच्चे लोग को, 1/3 शेयर, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो। अब हो गया क्या, सम्स कॉपी कर लिए ना आप लोग सारे बच्चे, उतार लिए, अब आपको बना के दिखाते हैं है क्या, क्या ये सम्स एग्जाम में आएगा, मेन सम्स ये नहीं है हम लोग का, बड़ा सा एक सम्स रहेगा, उस सम्स के अंदर में लाइन ऐसा लाइन लिखा रहेगा कि ए एंड बी वाज द पार्टनर, दे एडमिटेड सी फॉर 1/3 शेयर, तो कैलकुलेट न्यू रेशियो, नया रेशियो क्या होगा, और ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू एसक्यू में कैसे निकलता है देखिए। सो गाइस, इसको सॉल्व कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका सॉल्यूशन आपको हम कराने जा रहे हैं। देखो सबसे पॉपुलर रेशियो यही है, सबसे पहले ए ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, अच्छा देखिए पार्टनर पहले कौन था, ए और बी, ए और बी, एडमिशन किसका हुआ, सी। हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते, बताना हु इज द ओल्ड पार्टनर इन दिस क्वेश्चन, हु इज द ओल्ड पार्टनर, ए एंड बी, एंड हु इज द न्यू पार्टनर, सी। 9:15 में क्लास है बाबू आपका, ए एंड बी इज द ओल्ड पार्टनर एंड सी इज द न्यू पार्टनर, ये लैंग्वेज समझ गए ना, अब तो बताना नहीं पड़ेगा। और जो देखो ए और बी पार्टनर था, दोनों का हिस्सा कितना था, 2:1, 2:1। सर जब आप कहते हो ना 2:1, इसका मतलब क्या है, आज आपको हम तोड़ के समझाते हैं। देखो जब आप 2:1 कहते हो ना, इसका मतलब होता है कि अगर 3 रोटी टोटल होगा, 2 और 1 कितना हो गया 3, अगर 3 रोटी टोटल होगा उसमें से ए को कितना मिलेगा, 2, अभी को कितना मिलेगा, 1, ए को कितना मिलेगा, 2, बी को कितना मिलेगा, 1। हम रेशियो का मतलब समझा रहे, अगर बोलते हैं रेशियो है 3:2, इसका मतलब क्या हो गया, 3:2, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5, अगर 5 रोटी टोटल बनता है उससे 3 रोटी किसको मिलेगा, A। 2 रोटी B को। अब समझ रहे क्या बोले, तो रेशियो का मतलब क्या, देखो सबसे पहले ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर का रेशियो क्या है, देखिए ए और बी, ए का पहले का रेशियो क्या था, 2:1 था, तो 2:1 को लिखा कैसे जाता है मैथ्स में, देखो 2/3 और 1/3, ये समझे, ये समझे 2/3 1/3 कैसे लिखेंगे, हम आपसे पूछते हैं आप हमको बताना 3:2 2:1 इसको कैसे लिखा जाएगा, 3/6 2/6 1/6,
ये है तो बहुत छोटा चीज, पर छोटा चीज भी बता देना चाहिए क्योंकि आप लोग बहुत बच्चे ऐसे हुए जिनको बाद में कंफ्यूजन होगा इसीलिए। तो देखो बाबू, ए का हिस्सा, ए का ओल्ड शेयर कितना था 2/3, अभी का हिस्सा कितना था 1/3, अभी नया नया आया न्यू पार्टनर शेयर, नया पार्टनर कौन आया बताओ, सी आया, और सी का शेयर कितना है बाबू 1/3। अब क्वेश्चन, अब ये देखने दरकार नहीं, ए का हिस्सा कितना था, बी का, आया कौन है, आया कौन है, स्वागत किसका, गेस्ट कौन है, मेहमान कौन है, रिश्तेदार, हाँ सब सी, सब कौन है बाबू, सी, सब कौन है, पूरा दुनिया क्या है, देखिए पूरा रिश्तेदार लोग, देखो देखो सी पार्टनर कौन है बाबू, सी। अब देखो सी क्या हो गया, सी थर्ड पार्टनर का शेयर कितना, 1/3। अच्छा देखिए अब कैसे करिएगा, उसके बाद करिएगा लेट द टोटल शेयर बी 1। माना कि बचपन में याद है, याद आ रहा है बचपन में मानते थे मैथ्स में, माना कि एक्स, माना कि वाई, लेट दिस बी एक्स, लेट दैट बी वाई, तो लेट द टोटल शेयर बी 1। मान लिए कि टोटल शेयर कितना है बाबू 1, क्या है, क्या है सर, कुछ और नहीं मान सकते क्या, नहीं यही मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, ये जब हम बोल रहे मान लीजिए तो फिर इसमें कुछ और का तो बात ही नहीं है, अब लेट द टोटल शेयर भी कितना बाबू 1। अच्छा टोटल शेयर 1 था तो अभी आया कौन है बताइए, सी। आपका जमीर, आपका आत्मा क्या बोल रहा है कि पहले आपका घर में जब खाना बनेगा पहले किसको देंगे, अपने खाएंगे ना मेहमान को देंगे, बोलो बोलो, तो टोटल अगर हिस्सा है एक है उसमें से सबसे पहले किसको दे दिया जाएगा, ए को, बी को या सी को, बोलो बोलो बोलो, हाँ देखो हम लोग का इंडियन फैमिली में क्या होता है, पहले गेस्ट आता है, जो भी खाना बना हुआ रहता है, गेस्ट आ गया पहले गेस्ट को खिला देते हैं, उसके बाद जो बच जाता है झूठा फूटा, क्या बच जाता है, इस जो भी बच जाता है उसको हम लोग खाते हैं ना, मतलब बांटते हैं, शेयर करते हैं, जो भी बच जाता है खाना उसी में शेयर करना पड़ेगा, तो टोटल कितना है 1। 1 में से सी को कितना देंगे बताइए, सी को कितना देंगे बताइए, अरे भाई क्वेश्चन में दिया हो, सी को कितना देंगे, बोलो, तो 1 में से 1/3 माइनस कर दिए, सी को दे दिए, अब बचेगा कितना, बचपन का मैथ्स क्या होगा बाबू, 3, यहां भी 3, यहां पे 1, क्या होगा जी, 2/3, यस और नो, तो ये जो बचा है ना इसको बोलते हैं रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर। स्टेप देख लीजिए ऐसे बनाने का है, एकदम प्रेजेंटेशन भी ऐसे रहेगा, ऐसे क्यों में पूछेगा ना तो एकदम ऐसे हिसाब से बना के बनेंगे। ए का शेयर कितना था बताइए, बी का, आया कौन है, सी का हिस्सा कितना है, टोटल हिस्सा कितना मान लिए, एक में से सी को कितना दे दिए, बोलो बोलो बोलो, 1/3, तो बच कितना गया, 2/3 बच, कितना बच गया बाबू, 2/3। आज जो बच गया है उसी में हम बंटवारा करना पड़ेगा, सो न्यू रेशियो, नया रेशियो कितना होगा भाई, नया रेशियो देखिए, ए बी और सी, सर नया रेशियो में अब पहले नया पुराना, पहले का रेशियो में कितना आदमी था, 2, अब एडमिशन ले ली तो अब नया रेशियो में कितना आदमी आ जाएगा, 3। अब देखो रेशियो कैसे बनेगा, तो बचा हुआ कितना है 2/3, यस और नो, तो जितना बचा हुआ है उसको ओल्ड शेयर के हिसाब से बांट दीजिएगा, 2/3 × 2/3, समझे, ये दोनों दो बार क्यों लिखे समझे, एक बार जो बचा हुआ है उसके नाम पे, एक बार जो उसका पुराना हिस्सा था, मतलब जितना बचा हुआ है उसको उसका ओल्ड शेयर में बांट देंगे, कौन सा शेयर बांट देंगे, ओल्ड शेयर में। फिर देखिए बचा हुआ कितना है 2/3, इसका ओल्ड शेयर कितना है, बोलो ना, 1/3, और सी को हम लोग देख कितना रहे 1/3, सी का हिस्सा तो 1/3 ही है, सी को तो 1/3 दे, कितना दिया बाबू, सी को लेके झमेला ही नहीं है। अब देखिए कितना हो गया 4/9, 2/9, और इसको देखो इसमें गड़बड़ है, ऐसे रेशियो नहीं बनता, रेशियो आपने बचपन में मैथ्स पढ़े होंगे, रेशियो करने के लिए ना नीचे वाला नंबर, कौन सा वाला नंबर, नीचे वाला नंबर सेम होना चाहिए तभी रेशियो बनेगा, तो आप कहा होगा ऐसे छोड़ देंगे क्या, ऐसे छोड़ दे ऐसे छोड़ देंगे रेशियो नहीं बनेगा, तो इंग्लिश में एक वर्ड बोलते हैं रेशनलाइज करना, रेशनलाइज करना मतलब इसको ऐसा नंबर से गुना करेंगे, ऐसा नंबर से गुना करेंगे ऊपर नीचे, जिससे किसका नीचे भी 9 आ जाए, कितना आ जाए 9, बताइए कौन सा नंबर से गुना करने से 9 आएगा, बोलो बोलो ना, 3/3, अब हो गया 3/9। अब इसको जब आप रेशियो के स्टैंडर्ड में बदलते हो 4:3:3, ये हो गया देखो 4:2 है ना, सॉरी 4:2:3, ये है नया रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो अब आप इसको ना हार्ड नहीं बोल सकते, एक दो सम्स बनाएंगे ना आपको याद हो जाएगा, अभी आपको 5-6 सम्स कराएंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, करते करते याद हो जाएगा, एक बार मेरा बात सुन लीजिए ध्यान से, फिर से बता रहे बाबू, ए और बी पार्टनर था, आया कौन बताइए, बोलो ना, स्वागत किसका किए, मेहमान कौन है, गेस्ट कौन, एडमिटेड पार्टनर कौन, न्यू पार्टनर कौन, तो सी का है, सी आया, ए का हिस्सा था 2/3, बी का हिस्सा था 1/3,
आया कौन है? सी का शेयर क्या? वन बाई वन बाई एक बात बताओ, पहले सी को दे क्या हटाए? टोटल था एक, उसमें से सी को दे दिए, उसके बच कितना जाएगा? जो बच जाएगा उसी को ना बांटिएगा पुराना पार्टनर में, तो वही तो किए, जो बच गया है उसको हम लोग इसका ओल्ड रेशियो के हिसाब से बांट दिए। इसका ओल्ड रेशियो कितना था? 2/3। इसका ओल्ड रेशियो कितना था? 1/3। उसके हिसाब से इसको बांट दिए, तो इसका आ गया 4/9, इसका आ गया 2/9, और इसका 1/3 तो पहले देते थे, इसको पहले से देके बढ़ा दिए थे कि बैठिए आप। तो इसको क्या किया हम लोग? रेशनलाइज। क्या किया बाबू? रेशनलाइज, बचपन का मैथ्स के हिसाब से। तो 4:2:3 ऊपर वाला नंबर को ही रेशियो माना जाता है, समझ गया ना? इसको कॉपी करिए, फिर एक तो बना के दिखाएंगे, बार बार बनाएंगे, जब तक आपका मन नहीं भरेगा तब तक बनाएंगे। कॉपी करिए प्लीज, प्लीज कॉपी करिए बच्चों लोग। अब हो जाएगा तो बोलिएगा, सारे बच्चे कॉपी कर लीजिए, पहले जैसे लिखा वैसे कॉपी करना। अब हो जाए तो बताइएगा। तो अब लिखिए एग्जाम्पल टू, एग्जाम्पल टू लिखिए। एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस या सेइंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो
द रेशियो 3:2 3:2 हो गया. दे एडमिटेड यस दे एडमिटेड जेड फॉर 1/4 शेयर 1/4 जैसे हम लिखे 1/3 वैसे आप लिखना 1/4 1/4 शेयर कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट सेविंग रेशियो एक बार पहले खुद ट्राई करिए फिर हम बनाते हैं. एक बार आपको ट्राई करो तीनों देख के ट्राई करो. देख के ट्राई करो बाबू आराम से टाइम फिर हम बनाएंगे. अरे आप लोग कर लिए हम करके दिखा दे कर लिए बाबू कंप्लीट हुआ. देखिए देखिए अच्छा अच्छा जिनको दिक्कत हो रहा देखो कहां पे आ गया आप लोग जा रहे हो वो भी देखिए. देखिए सेम ही क्वेश्चन दिए थे एक तरह से. क्या दिए थे बाबू एक्स एंड वाई पार्टनर है
तो यहाँ पे नाम पहले हम चेंज करते हैं एक्स और क्या बाबू वाई, एक्स और वाई। एक्स का रेशियो कितना था 3:2, इसको कैसे लिखेंगे 3/5 2/5। यहां तक किसका जगह सही था, एक बार लड़ाई यहां तक बहुत बच्चों का सही था। देखिए कहां गलती हुआ वो देखो आप, नया पार्टनर का नाम क्या है भाई जेड, बोर्ड में ध्यान दो, अगर सही भी हो गया तो ध्यान दीजिए, गलत हुआ तो भी ध्यान दीजिए, सही हुआ तो भी गलत ध्यान दीजिए। तो नया शेयर पार्टनर का हिस्सा कितना है 1/4, तो 1 में से 1/4 चला गया, अब बचेगा कितना बताइए 4 4-1 कितना होगा 3/4। यहां तक इसका ऐसा सही डाल था, देखो इतना तो अच्छा सही हुआ, कहां जाए गलती हो गया वो देखो आप। रिमेनिंग शेयर, सो न्यू रेशियो, बंदा का नाम है एक्स वाई और जेड, हम खाली प्रोसेस चेंज करेंगे, यहां से चेंज करना पड़ेगा। देखिए क्या क्या बाबू एक्स वाई और क्या बाबू जेड, अच्छा बचा हुआ कितना है 3/4 बचा हुआ तो वही है ना, पहले बचा हुआ वाला लिख लीजिए, अब उसको देखो बचा हुआ वाला लिख लीजिएगा, जहां से गलती हो रहा समझ लीजिए, बचा हुआ वाला लिख लीजिएगा और उसको पुराना रेशियो मार दीजिएगा। एक्स का पुराना कितना है 3/5, इसका 2/5, और जेड को कितना दे रहे 1/4। अब देखो करके देखते हैं 9/20 6/20, अब क्या होगा, नीचे में ऐसा नंबर चाहिए हमको जिससे 20 हो जाए 5/5 ना, ऊपर भी 5 नीचे भी 5। देखो ऊपर नीचे जब सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो ना, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता मैथ्स में, वो बस बराबर करने के लिए किया जाता है। तो 5 बाई कितना बाबू 20, अब इसमें जब रेशियो बदलेंगे 9:6:5, कॉपी करिए, जी हाँ गलत हो गया आप ठीक कर लीजिए, फिर गलत होगा फिर बनाएंगे, फिर एक तो समझ दे रहे बना के लाइएगा।